नमस्ते दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस सिडनी थंडर के बीच में बिग बैश लीग का यहाँ पे मैच नंबर 9 खेला जाएगा, उसकी ड्रीम इलेवन टीम क्या रहेगी, तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किस वेन्यू पे मैच होने वाला है, तो यहाँ पे एडिलेड ओवल में मैच होने वाला है। पिच रिपोर्ट जो रहेगी बैटिंग फ्रेंडली रहेगी। रिसेंट के मैचेस यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिसेंट के मैचेस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, जो स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप के यहाँ पे 3 मैच हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे H2H की, तो यहाँ पे हेड टू हेड में थंडर ने 9 विन किए हैं, स्ट्राइकर ने 9 विन किए हैं, ठीक है, दोनों ने बराबर मैच विन किए हैं। अब रिसेंट के मैचेस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्राइकर ने 2 मैचेस विन किए हैं, जो दोनों मैचेस अभी हुए हैं, और थंडर ने यहाँ पे 1 मैच विन किया था फर्स्ट मैच, उसके बाद 2 मैच हार के आ रही है, ठीक है। अब बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेइंग 11 की, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेइंग 11 देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे जे विड्राल ने यहाँ पे फर्स्ट मैच में 1 रन, सेकंड मैच में 10 रन बनाए थे। यंग शॉट है यहाँ पे फर्स्ट मैच में 84 रन, 0 विकेट, और सेकंड मैच में यहाँ पे 9 रन, 1 विकेट। और थर्ड नंबर पे क्रिस ली ने यहाँ पे फर्स्ट मैच में 41 रन, सेकंड मैच में 36 रन। ए होस है यहाँ पे फर्स्ट मैच में 40, सेकंड मैच में 4 रन। सी डी ग्रैंड होम यहाँ पे फर्स्ट मैच में 7 रन, 0 विकेट, सेकंड मैच में 33 रन। आर खान है यहाँ पे फर्स्ट मैच में 1 रन, 3 विकेट, और सेकंड मैच में 9 रन, 0 विकेट। टी केली है यहाँ पे फर्स्ट मैच में 1 रन, सेकंड मैच में 13 रन। नेल्सन है फर्स्ट मैच में खेले नहीं थे, सेकंड मैच में 13 रन बनाए। डब्लू अगर है यहाँ पे फर्स्ट मैच में 0 विकेट और सेकंड मैच में 4 विकेट। थॉर्नटन है यहाँ पे फर्स्ट मैच में 4 विकेट और सेकंड मैच में 5 विकेट। पीटर सिडल फर्स्ट मैच में 0, सेकंड मैच में 0। तो यहाँ से आपको एडिलेड स्ट्राइकर के प्लेइंग 11 पता चल गई, प्लस यहाँ पे परफॉर्मेंस पता चल गया, कौन सा बॉलर विकेट ले रहा है, प्लस यहाँ पे कौन सा बैट्समैन रन बना रहा है। अब बात कर लेते हैं सिडनी थंडर के प्लेइंग 11 की। यहाँ पे एम गिल के ऐसे यहाँ पे फर्स्ट मैच में 0, सेकंड मैच में 0, थर्ड मैच में 3 रन। ए हेल्स हैं फर्स्ट मैच में 16 रन, सेकंड मैच में 0 और थर्ड मैच में 16 रन। रोसो है यहाँ फर्स्ट मैच में 0, सेकंड मैच में 3 रन और थर्ड मैच में 53 रन। जे सांगा फर्स्ट मैच में यहाँ पे 24 रन, 0 विकेट, सेकंड मैच में 0 रन, 0 विकेट, थर्ड मैच में 10 रन, 0 विकेट। ए रोस है यहाँ पे फर्स्ट मैच में 28 रन, सेकंड मैच में 2 रन, थर्ड मैच में 39 रन। डी सैम है फर्स्ट मैच में 3 रन, 2 विकेट, सेकंड मैच में 1 रन, 2 विकेट, थर्ड मैच में 1 रन, 3 विकेट। ओ डेविस है फर्स्ट मैच में 11 रन, सेकंड मैच में 1 रन और थर्ड मैच में 33 रन। सी ग्रीन है यहाँ पे फर्स्ट मैच में 17 रन, 1 विकेट, सेकंड मैच में 0 रन, 0 विकेट और थर्ड मैच में 10 रन, 0 विकेट। जी संधू है 20 रन, 2 विकेट फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में 0 रन, 2 विकेट, थर्ड मैच में 2 विकेट। यफ फारूकी फर्स्ट मैच में 0 रन, 2 विकेट, सेकंड मैच में 1 रन, 3 विकेट, थर्ड मैच में 0 विकेट। बी डॉगेट है यहाँ पे फर्स्ट मैच में 1 रन, 1 विकेट, सेकंड मैच में 4 रन, 2 विकेट, थर्ड मैच में 1 विकेट। तो यहाँ से आपको थंडर के प्लेइंग 11 पता चल गई, प्लस यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट बॉलर है जो विकेट ले रहा है, प्लस यहाँ पे कौन सा बैट्समैन रन बना रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो यहाँ पे सी लिन है, डी सैम है, यम शॉट है, एफ फारूकी, एच थॉर्नटन, डब्लू अगर, जी संधू, आर खान, ए हेल, बी डॉगेट, बी कटिंग, सी बॉयसी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो आपकी ड्रीम इलेवन टीम में होने चाहिए, कभी भी आपको विनिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रंप प्लेयर कौन से रहेंगे, तो ट्रंप प्लेयर प्लस CVC प्लस ड्रीम इलेवन टीम। यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में जे सांगा है, ठीक है, 10% सेलेक्शन है आपके लिए, ट्रंप रहेंगे, कभी भी अच्छा खासा विकेट भी ले सकते हैं, प्लस रन भी बना सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग भी करा रहे हैं 1-2 ओवर, ठीक है, तो इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, GL में कैप्टन वाइस कैप्टन इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे पीटर सिडल हैं, ठीक है, जो अभी तक विकेट नहीं लिए हैं, बट हो सकता है इस मैच में विकेट ले सकते हैं, तो इनको जरूर ट्राई करें, खासकर इनको रखें जरूर अपने स्मॉलिंग में, ठीक है, कभी भी अच्छा खासा विकेट ले सकते हैं। और GL में इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, क्योंकि 1-2 मैच खेल चुके हैं, तो हो सकता है इस मैच में अच्छे खासे विकेट ले सकते हैं, ठीक है, डब्लू अगर की तरह, तो इनको भी अपनी टीम में रखें और कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करें GL में, ठीक है। उसके बाद सी बॉयसी हैं, खेल नहीं रहे, खेलते हैं तो इनको अपनी टीम में रखें, आपके लिए ट्रंप रहेंगे, अच्छे खासे विनिंग करा सकते हैं। उसके बाद टी सांगा है, अच्छे खासे विकेट टेकर बॉलर हैं, खेलते हैं तो अपनी टीम में इनको भी रखें, ठीक है। और यहाँ पे बी डॉगेट है, ठीक है, इनका जो सिलेक्शन परसेंट है बहुत कम है, हर मैच में 1-2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें, कभी भी अच्छा खासा विकेट भी ले सकते हैं और आपको विनिंग करा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ट्रंप प्लेयर बता दिया, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे जे सांगा को और यहाँ पे पीटर सिडल को, और ये दो प्लेयर अभी खेल नहीं रहे हैं, बी डॉगेट को भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की, ठीक है, ड्रीम इलेवन टीम में कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में जो यहाँ पे सबसे ऊपर बैटिंग करने आता है उसको भी ले सकते हैं, यहाँ पे नेल्सन को भी ले सकते हैं, ठीक है,
और एम गिलक्रिस्ट को भी ले सकते हैं, दोनों ही दोनों बेस्ट रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे एम गिलक्रिस्ट के साथ मैं जाने वाला हूँ। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे एहल्स, सीलिन, रोसो तीन इंपॉर्टेंट बैट्समैन है जो हमारी टीम में होने चाहिए, ठीक है, तो इनको ही हम स्मॉल लीग की टीम में रखेंगे। और यहाँ पे आप चाहें तो ए रॉस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विकेट गिरेंगे तो इनको बैटिंग करने का मौका मिलेगा और अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, तो इनको अपनी टीम में रखें। ओ डेविस को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे डी सैम, एम शॉट दो प्लेयर रहेंगे, बाकी किसी को लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में आए राशिद खान, पीटर सिडल, डब्लू अगर, फारूकी, संधू और टोरंटन, इतने प्लेयर होने चाहिए। इनमें से एक प्लेयर को हमको ड्रॉप करना है, किसी को ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे अभी के लिए यहाँ से डब्लू अगर को मैं ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे टोरंटन के साथ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी टीम हो गई स्मॉल लीग की, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। अभी बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो जी एल के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन किसको किसको बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप पीटर सिडल को सबसे पहले बना सकते हैं, क्योंकि अभी विकेट नहीं लिए हैं, हो सकता है इस मैच में अच्छे खासे विकेट ले सकते हैं। डी सैम है, एम शॉट हैं, कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस है, यहाँ पे बना सकते हैं आप। जी संधू को बना सकते हैं, थोरंटन को बना सकते हैं, यहाँ पे फारूकी को बना सकते हैं, जितने भी अच्छे खासे इंपॉर्टेंट बॉलर हैं उनको बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से रहेंगे स्मॉल लीग में, तो देख लेते हैं इनको ही कैप्टन बना रहे हैं और एम शॉट को बना रहे हैं डी सैम को, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मैं हर मैच में यहाँ पर डी सैम को कैप्टन बनाता हूँ। शॉट का कोई बॉलिंग कराने का चांस नहीं है, ठीक है, उतना एक दो बार कराएंगे, हो सकता है विकेट भी ले सकते हैं और प्लस यहाँ पे रन बनाएंगे कुछ, ठीक है, तो इनको भी इसी ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन बनाना चाहे तो अपने रिस्क पे बना सकते हैं आप, थोरंटन को बना सकते हैं, अच्छे खासे विकेट टेकर बॉलर, विकेट ले रहे हैं जिसकी वजह से इनके साथ लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो कैप्टन रहेंगे डी सैम रहेंगे, वाइस कैप्टन थोरंटन रहेंगे, ठीक है, इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन हम बनाएंगे। और अगर आप टेलीग्राम से हमारे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, यहाँ पे आपको फाइनल टीम मिल जाएगी प्लस वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ओके, थैंक यू।